माता कुंती ने की ऐरावत की पूजा। आइए जानें कब और कैसे। एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पहुँचे। उनसे गांधारी कुंती ने संपन्नता प्रदान करने वाले व्रत के बारे में पूछा। वेदव्यास ने कहा कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक देवी लक्ष्मी की आराधना कर जो विधिवत 16 दिन का व्रत करेगा उसके कुल में हमेशा संपन्नता रहेगी। इसके बाद गांधारी और कुंती दोनों ही व्रत करने लगीं। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए कुंती को छोड़कर नगर की समस्त महिलाओं को आमंत्रित किया। इससे कुंती ने अपना अपमान समझा। उन्हें उदास देख पांडवों ने कारण पूछा तो माता कुंती ने बताया कि माता गांधारी के पास 100 पुत्र हैं। उन्होंने ढेर सारी मिट्टी इकट्ठी कर विशाल हाथी बनाया है और उसे देखने के लिए हस्तिनापुर नगर की समस्त नारियां वहां गई हैं। हमारे यहाँ पूजन के लिए भी कोई नहीं आया। अर्जुन ने कहा, माता चिंता ना करें, आप इंद्र के ऐरावत हाथी की पूजा करेंगी। पूरे नगर में इसका निमंत्रण भिजवा दो। यह बात जब पूरे नगर में पहुंची तो लोग कुंती के महल की ओर दौड़ पड़े। जो महिलाएं गांधारी के यहाँ गई थीं वो भी कुंती के पास पहुंच गईं। पूजा का समय हुआ तो अर्जुन ने बाणों से स्वर्ग तक ऐरावत के उतरने का रास्ता बनाया। इसके बाद माता कुंती व अन्य महिलाओं ने ऐरावत हाथी की पूजा की। यह सब माता कुंती के निस्वार्थ भक्ति का ही नतीजा था कि उनके पुत्र ऐरावत हाथी की पूजा करवा सके। धन्य हो माता कुंती। जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद।